दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे खतरनाक नस्ल के परिंदों के बारे में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। बर्ड्स हजारों तरीके के होते हैं। इनमें से कुछ देखते ही आपके दिल को भा जाते हैं, जैसे कि लव बर्ड्स, रिंगनेक और खूबसूरत कबूतर वगैरह। वहीं इनमें गिद्ध जैसे परिंदे भी शामिल हैं, जो आपके दिल में दहशत पैदा कर देते हैं। इनमें से कुछ शांत स्वभाव के होते हैं और कुछ तो आपकी जान भी ले सकते हैं। कुछ तो मासूम दिखते हैं, मगर इनके कत्ल करने का अंदाज तब से अलग होता है, जिन्हें परफेक्ट किलर भी कहा जा सकता है। आज हम जानेंगे ऐसे ही 8 परिंदों के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुझे वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना चले जाओगे तो आपके इस दोस्त का दिल टूट जाएगा। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस दोस्त को सपोर्ट कीजिए। साउथर्न कैसावरी, ये है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परिंदा। इसका वजन 75 से 80 किलोग्राम तक होता है और इसकी हाइट करीबन 5 फीट तक होती है। इस पक्षी का सबसे खतरनाक हथियार इसकी टांगे हैं। इसके पंजे बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इसकी किक बहुत ही हैवी होती है। दोस्तों, इसकी एक किक हड्डियां भी तोड़ सकती है। इसके पैर बहुत ही मजबूत होते हैं। इसके पंजे 5 इंच तक चाकू की तरह खतरनाक होते हैं। 2005 में इसके पंजे को गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया के सबसे खतरनाक पंजे का खिताब दिया था। 6 अप्रैल 1926 में 13 साल का एक ऑस्ट्रेलियन लड़का इस परिंदे का शिकार हुआ था। इस परिंदे ने अपना पंजा इस लड़के के गर्दन पे मारा, जिसे लड़के की गर्दन कट गई थी और वो मौत के मुंह में चला गया था। इसके अलावा बहुत से लोग इसके हमलों से कई बार जख्मी भी हो चुके हैं। ईगल, इसे आसमान का बादशाह भी कहा जा सकता है। इस ईगल में बहुत सारी खूबियां हैं। इस शिकारी परिंदे का दबदबा आसमान और जमीन दोनों जगह पर होता है। ये अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से भी देखने की क्षमता रखता है। ये अपने से कई बड़े जानवरों पर भी हमला करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आता, जैसा कि बकरी, लोमड़ी, यहाँ तक कि इंसानों पर भी इसे हमला करते हुए देखा गया है, जिसे देख कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहाड़ों पर चर रही भेड़ बकरियों को ये जरा सा भी एहसास नहीं होने देता कि आसमान से मौत बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। अगर भेड़ बकरी शरीर में बहुत बड़ी या वजनी हो, फिर ये अपना दूसरा तरीका आजमाता है। ये ईगल उसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है, फिर ये उनके मरने या उनके घायल होने पर तब उनका शिकार करता है। अब बात होती है इनके इंसानों पर हमलों की। समय समय पर आए रोज इंसानों पर हमलों की खबर आती रहती है। ज्यादातर ये ईगल छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं जहाँ पर एक रेड ईगल पार्क में खेल रहे इस बच्चे के ऊपर हमला कर देता है। ये ईगल उस बच्चे को उठा कर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे की किस्मत काफी अच्छी थी कि वो कुछ दूरी पर जाकर ईगल के पंजों से छूट गया था, लेकिन इसका अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता था। इन वीडियोस में आप ईगल को इंसानों पर हमला करते हुए भी देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपने बच्चों को खाली मैदान या पार्कों में छोड़ने से पहले अपने आसपास या आसमान में जरूर देख लिया करें, नहीं तो आपको पूरी जिंदगी के लिए पछताना पड़ सकता है। पीटू हुई, अब आप सोचेंगे भला इतना खूबसूरत दिखने वाला एक छोटा सा परिंदा कैसे खतरनाक हो सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये दुनिया का काफी जहरीला परिंदा है। इसकी खाल और परों में जहर पाया जाता है। ये पपुआ गिनिया जंगलों में ये पाया जाने वाला चमकदार और खूबसूरत परिंदा दुनिया का काफी जहरीला परिंदा है। इस परिंदे की 3 नस्ल है, जिसमें से सबसे खतरनाक उड़ीट पिटू ही है। दरअसल इस पक्षी में खुद का जहर नहीं होता, बल्कि ये जहर अपने शिकार किए गए कीड़े मकोड़ों से हासिल करता है, जिसे बैटोक टॉक्सिन कहा जाता है। ये वही जहर है जिसको दुनिया के सबसे खतरनाक मेंढक पॉइजन डार्ट फ्रॉग में पाया जाता है। ये जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये जहर इसके शिकारी को मिनटों में इसका शिकार बना देता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि अब तक इस पक्षी की वजह से किसी भी इंसान की जान नहीं गई है। ये पक्षी कितना जहरीला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में एक चूहे को पिटूई का गोश्त खिलाया गया, जिसे खाने के कुछ मिनटों बाद चूहा मर गया। अगर कोई इंसान इसे पकड़ ले, उसे जलन, सर चकराने और बेहोशी जैसी हालत हो जाती है। लेकिन इस नेचुरल डिफेंस की वजह से ये पक्षी अपने शिकारियों से बचा रहता है। इस पक्षी को ना खाने की वजह से न्यू पपुआ गिनिया के लोग एक बकवास परिंदा भी कहते हैं। अक्सर लोगों को जंगल में घूमना बहुत ही पसंद होता है,
लेकिन आज हम आपको ऐसे जंगल से अवगत कराने जा रहे हैं जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। जी हां, हम किसी और की नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े जंगल अमेजोन की बात कर रहे हैं। हालांकि ये जंगल अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी एडवेंचर करने और जंगल की खूबसूरती का लुत्फ उठाने आते हैं। इस जंगल का दूसरा पहलू यहाँ पर रहने वाले जानलेवा जीव है, जिस कारण ढेरों सैलानी यहाँ से अपने साथ डरावनी यादें ले जाते हैं। यहाँ पर आपकी हल्की सी चूक खतरनाक साबित हो सकती है। ये जंगल भले ही देखने में बहुत शांत और सुहाना लगे, पर अमेजोन जंगल में कुछ जानवर ऐसे हैं जो बहुत डरावने और खतरनाक हैं। इतने खतरनाक कि पलक झपकते ही किसी की जान लेने की क्षमता रखते हैं। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही 5 जानवरों के बारे में हम आपको बताएंगे जो अमेजोन के जंगल के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। ग्रीन एनोकोंडा। हॉलीवुड की फिल्म एनोकोंडा को आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने तो देखी ही होगी। उसमें दिखाया गया है कि कैसे अमेजोन के जंगलों में बड़े बड़े सांप घूमते हैं। हालांकि हकीकत में फिल्मों में दिखाया गया एनाकोंडा सांप हकीकत में इतने बड़े नहीं होते, लेकिन इनका आकार अपने आप में काफी बड़ा होता है। आपको बता दें कि ये 22 फीट लंबे होते हैं और इन्हें साउथ अमेरिका में सबसे लंबे और सबसे भारी भरकम होने के लिए जाना जाता है। हाँ, ये भी बात सही है कि अगर आप इनके चंगुल में एक बार फंस गए तो बचना नामुमकिन है। ये एनाकोंडा अपने शिकार को अपने गिरफ्त में लेकर धीरे धीरे उन्हें मार डालता है। ये ज्यादातर धीमी गति से बहने वाले नदियों और दलदलों में पनपते हैं। यही कारण है कि ये जानवर अमेजोन के जंगल में अधिकतर पाए जाते हैं। इनकी सबसे खास विशेषताएं यह है कि इनकी आंखें मगरमच्छ की तरह सिर पर होती हैं, जिससे ये पानी के अंदर छुपकर पानी के बाहर जो जानवर होते हैं उन पर ध्यान रख सकता है और सही मौका देखते ही उन पर बिजली की रफ्तार से झपड़ पड़ता है। ये अधिकतर चीता, मछली, हिरन और पक्षियों को अपना भोजन बनाते हैं। जाइंट ऑटर। दोस्तों, मासूम से दिखने वाले इस ऊंट बिलाव की सूरत पे मत जाइए, क्योंकि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आपकी ये भूल आपकी जान लेने का कारण भी बन सकती है। जी हाँ, ये आम से दिखने वाले ऑटर से कई बड़े होते हैं। ये लगभग 6 फीट तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन लगभग 32 किलोग्राम तक हो सकता है। ये काफी सोशल एनिमल है और एक दूसरे को पहचानने की इनके पास काबिलियत है जो इन्हें कुदरती तौर पर मिली है। जाइंट ऑटर हमेशा समूह में रहना पसंद करते हैं, जिसमें 2 से 20 ऊदबिलाव शामिल होते हैं। दोस्तों, इतने बड़े होने के बावजूद इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी फुर्ती है, जिसके जरिए ये अमेजोन नदी में मौजूद किसी भी मछली या बड़े सांप को अपना निवाला बना लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। इनका मनुष्य पर हमला करना दुर्लभ है। साथ ही आपको बता दें कि इनकी बाइट फोर्स जर्मन शेफर्ड डॉग की तुलना में 2 से 4 गुना अधिक है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्यवश आज के समय में ये विलुप्त होने की कगार पर है। ब्लैक कैमन। दोस्तों, हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है मगरमच्छ प्रजाति का ब्लैक कैमन, जिसे हम मगरमच्छ की दुनिया में राजा का ओहदा दे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये काफी खतरनाक और मांसाहारी जीव है जो बाकी मगरमच्छ की तुलना में काफी बड़े होते हैं। इनमें मेल कैमन की लंबाई लगभग 7 से 14 फीट और फीमेल कैमन की लंबाई 16 से 17 फीट होती है। दोस्तों, इसका वजन करीब 600 से 700 पाउंड होता है। ये अपनी शिकारी को एक ही बार में पूरा निगल जाता है और अगर शिकार बड़ा हो तो ये 2 हिस्सों में बांट कर उसे अपना भोजन बना लेता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मगरमच्छ जमीन और पानी दोनों जगह जीवित रह सकता है, इसलिए ज्यादातर छोटे स्तनधारी जानवरों और मछलियों का शिकार ज्यादा करते हैं और बड़े जानवरों में ये हिरन और सुअर का शिकार करता है। कई बारी तो मेल कैमन और एनोकोंडा के बीच भीषण लड़ाई देखी गई है। इस कारण मिट्टी जैसा रंग होने के कारण से शिकार को इसकी मौजूदगी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और वो खुद मौत के मुंह में चला आता है। और क्या आपको पता है, इसकी चमड़ी इंसानों के कपड़े और लेदर बनाने के काम आती है और यही कारण है कि मनुष्य इनका जम के शिकार करते हैं। हार्पी ईगल। दोस्तों, क्या आपने अमेजोन जंगल में राक्षस कहे जाने वाले इस पक्षी को देखा है? यदि नहीं तो आप देख लीजिए। ये दिखने में काफी डरावना और बड़ा है, जिसे नजदीक से देखने पर सामने वाले के होश उड़ जाएंगे। इस पक्षी का नाम हार्पी ईगल है, जिसे किंग ऑफ स्काई कहा जाता है। दोस्तों, आज के समय में ये दुनिया का सबसे ताकतवर पक्षी कहा जाता है, जिसकी देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके पंख 7 से 10 फीट तक बड़े हो सकते हैं, जो उसे ऊंची उड़ान भरने में काफी सहायता करते हैं।
और इसका वजन करीब 200 पाउंड यानी 9 किलोग्राम होता है। इतने बड़े होने के बावजूद खतरा महसूस होने पर ये 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इनके पंजे की अगर बात करें, इनके पंजे भी इनके विशाल काय जितने बड़े ही होते हैं। इनका साइज करीब 3 से 4 इंच होता है, जो एक भालू के पंजे से भी बड़ा होता है। इनके ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये एक बड़े बंदर या इंसान के बच्चे को पंजे से उठाकर उड़ने की क्षमता रखता है। एक बार इसके पंजे में फंसने के बाद किसी भी जीव का निकल पाना नामुमकिन होता है। दोस्तों, आमतौर पर ये पक्षी किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इन्हें गुस्सा दिलाने पर ये इंसानों पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। अगर आपको याद होगा, आपने हैरी पॉटर में जरूर इसके जैसा एक बड़े पक्षी को देखा होगा, जिसे बनाने की प्रेरणा इसी ईगल से मिली थी। दोस्तों, इस अमेजोन के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेजोन के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं और वह हमारी दुनिया से कॉन्टेक्ट में भी है और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर देके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।